राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जानी मानी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी के रोड शो में भाग लिया और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। इस रोड शो में केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के अलावा दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक विजेंद्र गुप्ता भी शामिल थे। मनोज तिवारी के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर सफाई देते हुए सपना ने कहा, मैं भाजपा में शामिल नहीं हुई हूँ, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मनोज तिवारी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इससे पहले सपना के कांग्रेस में शामिल होने की खबर आई थी जिसे लेकर काफी चर्चा हुई थी। यूपी कांग्रेस ने तो दावा किया था कि सपना कांग्रेस में शामिल हो गयी है, जबकि सपना ने इस बात से इनकार कर दिया था। बाद में कांग्रेस ने कुछ तस्वीरें और एक कथित फॉर्म जारी किया था जिसमें सपना का नाम लिखा था। सपना ने इस तरह की सभी खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा था कि वो कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुई। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।